नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और आपके साथ मैं हूं सौरभ। भारत चीन के बीच रिश्ते इस वक्त नाजुक दौर में हैं। दोनों देशों के बीच सन 1962 में एक बार जंग हो चुकी है। इसके बाद 1965 और 1975 में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। इन तारीखों के बाद साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों ही देशों के बीच विवाद अपने चरम पर पहुंचा दिया। साल 2020 ना सिर्फ कोरोना बल्कि भारत और चीन के बीच भी ये साल तनाव लेकर आया। साल 2020 में ये चौथा मौका था जब भारत चीन सीमा पर हालात इतने तनावपूर्ण हो गए। भारत चीन सीमा पर मौजूदा विवाद की शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ सैनिक टुकड़ियां और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिखा था। वहीं 15-16 जून की रात को गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच जो कुछ हुआ उसने युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए थे। 15-16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में LAC पर हुई झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चीनी सैनिकों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। भारत ने इस घटना के बाद अपना कड़ा रुख जाहिर करते हुए चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की। केंद्र सरकार ने भारत में चीन की कई मोबाइल एप्लीकेशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इनमें टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर जैसे पॉपुलर ऐप भी शामिल हैं। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय। लद्दाख के मुद्दे पर भारत चीन के बीच सैन्य और राजनयिक वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा था कि भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं। लद्दाख में दोनों देशों के बीच बरकरार सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के 5 दौर भी शामिल हैं, लेकिन बातचीत हर दौर में विफल रही। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए, भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है, और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर हमला बोला था। मोदी ने कहा था, नियंत्रण रेखा LOC से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC तक जिसने भी हमें आंखें दिखाई हैं, देश की सेना और हमारे जवानों ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। हमारे जवान क्या कर सकते हैं इसे पूरी दुनिया ने लद्दाख में देखा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।